जस्ट शट अप। होती कौन है आप मेरी मॉम की तबीयत पे सवाल उठाने वाली? जुबान संभाल कर बात करो। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। क्या हुआ? शादी से पहले जुहेब बहुत तारीफें करता था कि हमारी बहन तो ऐसी है, हमारी बहन तो वैसी है, उसे तो दुनिया की हवा नहीं लगी, वो तो इतनी भोली है, चलाकी तो छूकर भी नहीं गुजरी उसे। लेकिन तुमसे मिलकर मुझे अफसोस ही हुआ। क्या कह रही हैं आप? उस दिन इस तरह मेहमानों के सामने नरगिस आंटी को जलील करना जेब देता था तुम्हें? आपको वो सारी बात रुक रुक के क्यों याद आ रही है? अब किसी ने तो बात करनी ही थी ना। मान लिया कि वो तुम्हारी मामा नहीं है, लेकिन तुमसे उम्र में बड़ी तो है ना। इस तरह मेहमानों के सामने उन्हें जलील कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि मनज़ा आंटी ने ऐसी तरबियत की है तुम्हारी। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। होती कौन है आप मेरी मॉम की तरबियत पे सवाल उठाने वाली? जुबान संभाल कर बात करो। इस वक्त मैं नहीं, पूरा खानदान तुम्हारी तरबियत पर सवाल उठा रहा है। नरगिस आंटी तो तुम्हारी माँ नहीं है ना, तो उनकी तरबियत पर कैसा सवाल? सवाल तो मुनज़्ज़ा आंटी की तरबियत पर उठाया जा रहा है। देखिए मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, लेकिन एक वर्ड और नहीं। हो तो तुम्हें लिहाज भी करना आता है? मेहरीन भाभी, लिहाज करना आता होता ना तो उस दिन मेहमानों के सामने अंकल हुस्ना फूफो सबको जलील ना करवाती तुम। तो अगर आपका ये लेक्चर हो गया हो तो मेरे रास्ते से हटेंगे आप? तुम्हें अंदाजा भी है नरगिस आंटी को तुम्हारी वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा, और इस घर का माहौल सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब है, सुना तुमने? जस्ट शट अप, ओके? शट अप। जब मैं किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती हूं तो किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी लाइफ के डिसीजंस या मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। समझ आ गई है?